baby John. आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। स्पार्कलिंग विंग्स एनजीओ को 5 साल हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी फंक्शन रखा है, जहाँ पे इस एनजीओ के माध्यम से जिन लोगों ने लोगों की सेवा की है आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ साथ बता दो, ये जो एनजीओ है एजुकेशन, क्लीनअप और इन्वायरमेंटल पे ज़्यादा ध्यान देता है। अभी तक इन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन में मदद किया है। और जो इनकी पूरी टीम देख रहे हैं, इनका जब कारवा जब चालू हुआ था 4 से 5 लोगों के साथ में इन्होंने शुरुआत किया था, और आज इनके जो मेंबर है वो लगभग 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये मीरा भाईंदर शहर में ही नहीं बल्कि अंधेरी के आगे भी इनके एनजीओ के जो मेंबर हैं जुड़े हैं। ये लोगों को ढूंढते हैं जो मिडिल क्लास के जो नीचे हैं, जो एजुकेशन बच्चे नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ कर ये जो एनजीओ है, जो इनके मेंबर है, ये लोग उन्हें एजुकेशन मुहैया कराते हैं। सबसे ज़्यादा बता दूँ, यहाँ पे जो एनजीओ जो लोग जुड़े हैं, ये एक युवा है, इन्हें एजुकेशन का मतलब पता है, तभी तो ये बच्चों को एजुकेशन देने में कभी पीछे नहीं हटते। साथ साथ अलग अलग जो फाउंडेशन है, जो एनजीओ है, उनके साथ मिलके ये सामाजिक कार्य करते हैं। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर शहर में भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में इन्होंने 5 साल के उपलक्ष्य में एक अवार्ड फंक्शन रखा था, मानित किया। साथ साथ अपने एनजीओ में जो लोग जुड़े, जो बच्चे जो अच्छे कार्य किए, आज उन्हें उन्होंने सम्मानित किया। मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं और मैंने ये एनजीओ इंस्टाग्राम थ्रू पेज से देखा है, एंड मैं हमेशा से ये करना चाहती थी लाइक बच्चों के लिए। सो आई कॉन्टेक्ट पवन सर केशरी, द फाउंडर ऑफ स्पार्कलिंग विंग्स एनजीओ। लाइक आम लड़कियों को लाइक पता नहीं उनका तो, लेकिन मुझे हर एक्टिविटीज़ करना पसंद है और बच्चों को तो फिलहाल उनके साथ रहना। और स्पार्कलिंग विंग्स एनजीओ एजुकेशन, फ्री मेडिकल चेकअप एंड अदर इवेंट्स। सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार, मैं राहुल यादव, स्पार्कलिंग विंग्स एनजीओ का सेक्रेटरी। आज हमें पूरे 5 साल हो चुके हैं, ये एनजीओ हमने 5 साल पहले शुरुआत की थी 26 अप्रैल 2019 को। मैं, पवन सर जी, ब्रिजेश सर जी, विशाल सर जी और हीरल मैम, हमने 5 जन मिलकर शुरुआत किया था, और आज हमारी लगभग 100 लोगों की टीम हो चुकी है। तो ये 5 साल की जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए, और कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है जो अपना टाइम दे रहे हैं और अपना एफर्ट्स दे रहे हैं सोसाइटी में बेटरमेंट के लिए। तो इसलिए हमने ये अवार्ड सेरेमनी रखा है कि हमको उनके वैल्यू को अप्रिशिएट करें, दैट्स वाई हमने अवार्ड सेरेमनी रखा। आज के इवेंट में हमने अपने मेंबर्स को अप्रिशिएट किया है और इंडिविजुअल एंड ग्रुप को भी अप्रिशिएट किया है। उसके अलावा जो डिफरेंट टीम्स है जो हमारे साथ जुड़ के इस सोशल कॉज में हेल्प कर रही है, चाहे वो बीच क्लीनअप हो, इन्वायरमेंट के लिए हो गया हो, या फूड डोनेशन हो, या फिर क्लोथ एंड ब्लैंकेट डोनेशन हो गया। तो हमारे साथ डिफरेंट टीम्स है, जैसे कि PMK फाउंडेशन है, निखिल डांस एकेडमी है जो हमारे बच्चों को डांस सिखाते हैं, जो आपने इवेंट में भी देखा होगा, और उसके अलावा भी हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं इनके थ्रू। और उसके साथ हमारे पास राधे स्टॉल है इनका, जो बेसिकली हमको फूड देते हैं। आज उन्होंने ढोकला हमारे मेंबर्स हैं, इनके लिए सबके लिए स्पॉन्सर किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शिवा इलेक्ट्रिकल वर्क्स है जो हमको हमारे डोनेशन में हेल्प करते हैं। एंड उसके अलावा विक्रम टूर्स एंड ट्रैवल्स है, देन निखिल सर की हमने बात किया, इन वन ऑफ द एनजीओ लाइक रूट्स ऑफ काइंडनेस, जो इनके साथ हम काफ़ी मिल के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी कम्युनिटी है और हम कम्युनिटी को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के एज अ ग्रुप, एज ए इंडिविजुअल। आज हमने एनुअल फंक्शन रखा था हमारे सब मेंबर्स के लिए, जिससे हम सब एकजुट हो सके और हमारा फ्यूचर ब्राइट हो उसके लिए। हमारा एनजीओ छोटे बच्चों को प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो उनका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उसको अच्छी शिक्षा दे रहे, शिक्षा के साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे कि वो अपना जो आर्ट्स है वो सबको दिखा पाए। और जो हमने दूसरे एनजीओ को
जो सम्मानित किया, उसके क्या क्योंकि हम उनसे खुद कुछ ना कुछ सीख सके और कहीं ना कहीं हम एक साथ मिल गए इंडिया को बढ़ावा दे सके और हमारे बच्चों के साथ उनके बच्चे भी इंडिया का नाम रोशन कर सके, इसके लिए हमें एनुअल फंक्शन रखा था। मायसेल्फ जील मेहता, मैंने ये हमारा स्पार्कलिंग विंग्स एनजीओ का पूरा टीम है जहाँ पे अलग अलग स्पॉट से लीडर्स एंड उनके मेंबर्स आए हैं एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे आए। एंड हमारा स्पार्कलिंग विंग्स एनजीओ 5 साल आज उसको हो रहा है और हमारे स्पार्कलिंग विंग्स एनजीओ का सबसे बड़ा जो एम एंड एस्पिरेशन है इज दैट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। और अपार्ट दैट हम लोग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं और जहाँ पे अभी हम धीरे 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 सीढ़ी चढ़ रहे हैं एंड आई एम श्योर कि अगर सबके एफर्ट्स ऐसे ही रहे सो आई एम श्योर कि नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में हमारा एनजीओ वुड बी अंडर टॉप 5 एनजीओज ऑफ इंडिया। मैं मेहताब शेख है और मैं अंधेरी स्पॉट लीडर स्पॉट का टीम लीडर। ये मेरे को जुड़े हुए 2 साल हुए लेकिन ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने। 2022 में हमें अवार्ड मिला था MCOA की तरफ से और अवार्ड लेने से अवार्ड देने तक का सफ़र बहुत ही अच्छा है। ये इस NGO को 5 साल हुए, मेरे को 2 साल हुए लेकिन मैं चाहूँगा इसको और ऊपर तक लेके जाना और आगे तक। मेरा नाम आरती मेहता है। इनिशियली जब भी आज भी मुझे याद है हम 4 या 5 जन थे जब इसकी शुरुआत हुई थी। एक ही लाइन है जो परफेक्ट सूट करती है कि परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो कांस्टेंट रहे सबकी टीम की एफर्ट्स है, राहुल जी, पवन जी, ब्रजेश जी की एफर्ट्स है, वो कंसिस्टेंट थी जिसमें आधे और आगे। मेरा नाम मीनाक्षी अधिकारी है। मैं NGO का फंक्शन देखने के लिए स्पेशली इधर आई हूँ क्योंकि मैं पवन सर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट उनसे फेसबुक के थ्रू हुआ था। He is doing really great job and literally मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मीन्स क्या कहते हैं स्पार्कलिंग NGO के लिए वो इतना आगे तक लेके जा रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आशा करती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जाए और मुझसे हो सके, मैं मुझसे जितना हो सके मैं एटलीस्ट उनकी मदद कर सकूँ। मेरा नाम नैना कनल है और मैं PMK फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ, फाउंडर ट्रस्टी और प्रेजिडेंट हूँ। और ये स्पार्कलिंग विंग जो काम कर रहा है इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है बच्चों को ग्रूम अप करने का, मतलब बच्चे जो जनरेशन अभी तैयार हो रही है उनको एडुकेशन देके समाज में कैसे रहना है, जीना है, उठना बैठना वो सिखा रहे हैं ये पूरी टीम। सो बहुत ही शुभेच्छाएं इन सब के लिए, आगे फ्यूचर में और ऐसे काम करते रहे और हमारा साथ हमेशा इनके साथ। पहली बार आया हूँ यहाँ, बस मैं एक अपना राधे ढोकले का मेरा जो ब्रांड है तो मैं यहाँ ये सबको फ्रूट देने आया हूँ बस। फिर इनका आके यहाँ मैं देखा तो ये लोग बच्चे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दूसरी बार नेक्स्ट उसको जब भी ज़रूरत हो तो मैं उसके साथ रहूँ और उसके कुछ मेरा तो फ्रूट है तो मैं फ्रूट देने की पूरी कोशिश।